बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये है कि तिलों की फसल को 12 से 15 दिन की फसल को स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तिल उस वक्त तक आपको नज़र ही नहीं आएंगे जब तक आप स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि ये उगती हुई फसल को, यानी अभी एक हफ्ते की फसल हुई होती है, अभी बिल्कुल ज़मीन पे नज़र आनी भी शुरू नहीं थी होती अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर सुंडी का हमला हो जाता है। इसके ऊपर दो सुंडियों का बहुत शिद्दत से हमला होता है। एक तो है अमेरिकन और लश्करी का क्रास, जिसको अक्जीवा बुलाते हैं, वो इसके ऊपर अटैक करती है, और साथ ही इसके ऊपर जो पत्ता लपेट सुंडी है वो भी हमला कर देती है। तो काश्तकार आम तौर पर इसके ऊपर ल्यूफ्रान से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या एमामेक्टन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीगा पेस्ट क्लियर लें और साथ उसके लैम्डा साइहेलोथ्रीन को मिक्स कर लें। तो आपने सीगा पेस्ट की 400 ml फी एकड़ के हिसाब से डोज रखनी है, और उसके अंदर जो लैम्डा की डोज है वो 150 से 160 ml फी एकड़ के हिसाब से वो साथ डोज मिलाएंगे, तो आपको आपकी फसल के ऊपर इन कीड़ों का कंट्रोल बेहतरीन मिलेगा। तो लिहाजा ये स्प्रे इस तरीके से करेंगे तो आपकी तेल की फसल महफूज रहेगी और अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। तो इसलिए 12 से 15 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप 12 से 15 दिन की फसल के ऊपर जो मैं आपको जहर पहले बता चुका हूँ, लैम्डा साइहेलोथ्रीन और सीगा पेस्ट क्लियर को 400 ml सीगा पेस्ट क्लियर और 150 ml से 160 ml लैम्डा साइहेलोथ्रीन मिक्स करके इसका फी एकड़ स्प्रे करवाएंगे, तो आपको इन सूंडियों के खिलाफ बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। तो आज के मैसेज जिम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।